तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, आपको नंबर में चाहिए 91 और आपके पास नंबर में हर एक नंबर के आगे 91 ऐड करने के लिए एक्सेल में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले के बजाय आपको प्रॉपर वैल्यूज़ कैसे मिलेंगे 91 के साथ, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं नियल नागर आपका स्वागत करता हूँ सोनियाल एजुकेशन में। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से होता है 91 एडिशन किसी भी नंबर के सामने, वो भी एक्सेल शीट में। तो चलिए दोस्तों, स्टेप्स देख लेते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम अपने एक्सेल शीट में। दोस्तों ये मैंने ऐसे ही कोई नंबर्स की सीरीज़ लिखी हुई है 50 तक, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें 91 ऐड करने वाला हूँ। दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ एडवांस एक्सेल में सिखाए जाते हैं। अगर आपको एडवांस एक्सेल का कोर्स सीखना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम पूरे कोर्स की सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए ये वीडियो। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें काफ़ी अच्छी ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं 91 ऐड कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम कोई भी एक, ये हमारा नंबर है, इसकी जो रेफरेंस आईडी है हमें यहाँ दिख जाती है, 82 है। किसी की भी सेल की हम रेफरेंस आईडी देखते हैं तो वो हमें इस बॉक्स में दिख जाती है। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करने वाला हूँ। चलिए पहले क्रिएट करके बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों ये मैंने लिखा इक्वल्स टू, देखो दोस्तों आपको अगर थोड़ा भी पता है ना क्या चीज़ होता है एडिशन, कॉनकैटिनेट होता है, हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं उसे कॉनकैटिनेट बोलते हैं, किसी चीज़ को जोड़ना। देखिए आगे उसने बताया भी है, जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। दोस्तों हम इसको स्ट्रिंग्स के लिए भी जोड़ सकते हैं और नॉर्मल नंबर्स के लिए भी जोड़ सकते हैं। तो अभी हम नंबर्स में 91 ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसको मैंने दबाया है टैब का बटन, जिसकी वजह से पूरा सेलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको काफ़ी जानकारी लेनी है एक्सेल शीट के बारे में तो मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि आपको एक्सेल के एडवांस सीरीज़ चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं लिख रहा था इसमें 91 हमको ऐड करना है, पहले ऐड करना है, इसलिए मैंने पहले लिखा। अब मेरे को देना है सेल की रेफरेंस आईडी, क्योंकि मुझे देनी है फ़िलहाल A2 की, तो मैंने A2 पे क्लिक किया। चाहे तो मैं इस काम को क्या कर सकता था, मैं डायरेक्टली अपने आप लिख सकता था कि मेरे को A2 चाहिए, अपने आप सेलेक्ट हो जाती है ब्लू कलर में। इसको बॉक्स को मैंने बंद किया। दोस्तों मैंने अभी 91 को स्ट्रिंग नहीं बनाया, अभी मैंने इसको नंबर रखा है। तो दोस्तों अगर जैसे मैं एंटर करता हूँ 91 ऐड हो जाता है। दोस्तों अगर इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, ड्रैग किया, देखो दोस्तों यहाँ तक मैं इसको ट्रैक करके सभी जो नंबर्स थे वो मैंने 91 सभी के आगे ऐड कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसमें एक कमी है। दोस्तों वो कमी क्या है, दोस्तों अगर मैं इस नंबर को कहीं भी कॉपी करता हूँ, देखिए कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, कंट्रोल सी करके मैं इनको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इनको इधर मैंने पेस्ट किया, लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर्स को एडिट करता हूँ डबल क्लिक करके, और उससे पहले देख लो आप, सबसे अच्छी बात है यहीं पे आप देख सकते हो इसमें नंबर ऐड नहीं हुआ, ये इसमें नंबर पेस्ट नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो 91 के आगे एक और 91 आ गया। तो ये 91 रिमूव करने के लिए तो आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों जो आपने जहाँ से कॉपी किया ऊपर वाला सेलेक्ट, ऊपर वाले पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, और जब पेस्ट करते हैं ना उसको पेस्ट एज वैल्यू कीजिए। पेस्ट ऑप्शंस में आता है, एक तो नॉर्मल पेस्टिंग होती है पेस्ट, एक होता है वैल्यूज़ पेस्ट करने, जो हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ उठानी है, क्योंकि हमें प्रॉपर 91 चाहिए एडिटेबल, जो बाद में एडिट भी कर सके हम। तो दोस्तों हमने किया इस पर क्लिक, अगर इसके आगे ऑप्शन है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा था, तो हमें वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यूज़ पर क्लिक कर दे रहे हैं। दोस्तों अब ये ग्रीन तो हो गए हैं, दोस्तों इस ग्रीन के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहा है जो आपने नंबर को फॉर्मेट किया है, जो पेस्ट किया है, वो अभी स्ट्रिंग में है एज अ टेक्स्ट है, अब इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इनको ठीक करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं जितने भी आपकी शीट में हैं, तो मैंने कर लिया सेलेक्ट,
एक क्लिक में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह सेलेक्ट करते हैं, किस तरह शॉर्टकट कीज़ हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली एक एक शॉर्टकट पे वीडियो बना के दूंगा जिससे आप अच्छे से एडवांस एक्सेल समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था, हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, पहले हमें अब कन्वर्ट करने हैं टेक्स्ट को नंबर्स में। तो कन्वर्ट टू नंबर्स, दोस्तों ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं इस पर, तो आपके पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स। आपको क्योंकि 91 के बाद जो नंबर था वो देखना है, आप इसे नंबर्स में सेलेक्ट कीजिए और ये जो डेसिमल प्लेस है इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो आपका जो भी नंबर होगा प्रॉपरली पूरा दिखेगा। अब ये जितने भी नंबर हैं आपके, ये पूरे नॉर्मली नंबरिंग्स में आ गए हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यही प्रोसेस मैं क्या करने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं इन नंबर्स को करने जा रहा हूँ डिलीट। दोस्तों जो मेरा मकसद, इस पे भरोसा मुझे क्यों नहीं था। दोस्तों देखिए, अब मैं मोबाइल नंबर्स करने जा रहा हूँ डिलीट। मैंने डिलीट का बटन दबाया, गायब। जो मेरी रेफरेंस वाली आईडी वाले थे वो सारे खाली हो गए, क्योंकि वो रेफरेंस, इनके रेफरेंस पे सिर्फ 91 ऐड हुआ था जो फॉर्मूला था। तो दोस्तों इसकी वजह से आप अपने सारे नंबर खो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले पे कभी डिपेंड ना करें, फॉर्मूला चेंजेबल होता है। जो उसकी फाइल है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो उसके ओरिजिनल नंबर्स हैं, उसको अलग कॉपी करके वापस उसी जगह पेस्ट कर लें, ये सबसे बेहतर तरीका मैं मानता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये था, आप इसको सभी के दोस्तों आ गया सामने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी हमारे नंबर्स हैं लास्ट तक मैंने कर लिए कॉपी, और जब मैं इनको पेस्ट करूँगा दोस्तों, जब मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करूँगा। वैल्यूज़ पेस्ट करने के बाद सभी सेलेक्टेड हैं, मैं इनको क्या करूँगा, कन्वर्ट टू नंबर्स करूँगा फास्ट में। आपको एक बार और रिविज़न हो रहा है, फिर से चेंज हो गए, फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स पर जाऊँगा। ये काम आप एक टाइम में ही कर सकते हैं, तो मैंने दो बार इसलिए बता दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये हो गए आपके प्योर 91, जिनको आप एडिट करके देख सकते हो, प्रॉपर नंबर हैं, चेक कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे अच्छा तरीका, जितने भी नंबर्स हैं आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर दीजिए। सिंपल है, अगर आपको यहाँ से करना डिलीट कर दीजिए रो को, ये भी अच्छा तरीका है। देखिए जो रेफरेंस था सब खत्म हो गया है, रेफरेंस इसको पता ही नहीं है कहाँ से रेफरेंस ले रहे थे, क्योंकि ए वाले में खुद आ गया, तो इसलिए रेफरेंस तो बचा नहीं, तो इसलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं रहता, इसलिए 91 सभी का हमने आगे ऐड कर दिया। तो दोस्तों इस तरह हम कर सकते हैं 91 किसी भी नंबर के आगे ऐड, वो भी एक्सेल शीट में। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। दोस्तों हम लोग 91 का इस्तेमाल मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम थोड़ा बल्क SMS प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोगों को बल्क SMS नहीं पता, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि बल्क SMS होता क्या है, आपके काम शायद आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं ये जो तरीका था हमारा आपको कितना पसंद आया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।